इसी बीच मोतिहारी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की लूट मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जो है पुलिस अब जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है और लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी से बड़ी खबर है, 2 करोड़ 70 लाख लूट मामले में 4 लुटेरे समेत कुछ सोना बरामद हुआ है और 4 दिन पहले ही मोतिहारी के चकिया केसरिया रोड के देवीलाल प्रसाद ज्वेलर्स नाम के थोक स्वर्ण आभूषण विक्रेता की दुकान पर दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरों ने 2 करोड़ 70 लाख का आभूषण लूट लिया था। लूट के दौरान बेखौफ लुटेरों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी और दुकान चला रहे दोनों भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद मोतिहारी एसपी ने एसआईटी का गठन भी किया था, जो लगातार घटना के दिन से मोतिहारी समेत मुजफ्फरपुर और गोरखपुर में छापेमारी भी कर रही थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, मैं बता दूं कि अभी अभी से 4 दिन पहले मोतिहारी के चकिया में चकिया के सही रोड में थोक व्यवसायी है देवीलाल स्वर्ण आभूषण की दुकान है, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, माफ कीजिएगा उनके यहाँ लूट हुआ था, दिन दहाड़े उनके यहाँ लूट हुआ था। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों लूट के वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख रुपए का स्वर्ण आभूषण की लूट हुई थी। उसमें 2 व्यवसायी को गोली मार के घायल किया गया था। तभी से मोतिहारी पुलिस लगातार इसे अपनी चुनौती के तौर पर इसे स्वीकार किया था। एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी की टीम लगातार गोरखपुर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में छापामारी कर रही थी। कल रात में मोतिहारी पुलिस को सफलता हासिल लगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और बरुराज थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई। वहां बरुराज के फुलवरिया गांव में एक स्वर्ण व्यवसायी है, वहां पे छापेमारी हुई है, जहां से कमंडल में छुपा के रखा हुआ कुछ सोना बरामद हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिस की कार्यशैली पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार मोतिहारी में अपराध की वारदात होते जा रही है, उससे लोगों में भी नाराजगी है, व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिलती है। हाल के दिनों में 2 दिन पहले ट्रक लुटेरा गिरोह का उद्भेदन हुआ था, फिर आज ये सोना लूटकांड का लगभग उद्भेदन हो चुका है। हालांकि फिलहाल पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। मेरी मोतिहारी एसपी से बात हुई है, उनका कहना है कि पूरे गिरोह को पकड़ने में लगे हुए हैं। फिलहाल सोना कितनी बरामद हुई ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहा कि सोना बरामद हुई है और जल्दी पूरे गिरोह का हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। जी पंकज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम इस पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, मोतिहारी से बड़ी खबर है, 2 करोड़ 70 लाख की लूट मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है, लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं, कुछ सोना भी बरामद किया गया है। चलिए फिलहाल अपने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।